बढ़िया से स्वागत कर रहे हैं। बता स्वागत करे खातिर हरिपद मातोला पूरे पार्षद हरिपद मातोला एक बार जोरदार ताली हल्का जोरदार खातिर। आज लगा दे मोई अब दादा ऐसा ना कहो कि दो शब्द रखते बहुत सारा शब्द रखते तो आज विनोद फूल दामोदर के कोरा और कोयलांचल की धरती डुंगरी के इस पावन धरती में नवयुवक संघ समिति और जोहार फाउंडेशन सिलफोर पंचायत की ओर से आयोजित इस टुसु महापर्व जो झारखंडी के गर्व झारखंडी के पर्व सबके टुसु जोहार रहते जोहार। चूंकि टुसु पर्व के विषय लगे बाकी तो हमारे जो विषय लेवल की बात रखिए तो नहीं कह रहा हूं। तो पहले टुसु पर्व आखिर मनवल के लिए जा है टुसु पर्व के अर्थ की लगा है थोड़ा सा जानना चाहिए खातिर जानना चाहिए कि इस जनरेशन में कि नया जनरेशन हमने के को दुनिया अलग हो तो इस दुनिया में जितना भी भाई भाई ना अपने जानना चाहिए कि हमने पूर्वज टुसु पर्व कहा मना हुआ। सबसे पहला बात एक बात जान ले कोई हिंदू है कोई मुसलमान है लेकिन सबके जरूरत धान है सही बात। चाहे हिंदू अपन धार्मिक ग्रंथ पढ़ के या फिर इस्लाम के मानने वाला अपन धार्मिक ग्रंथ पढ़ के या सिख धर्म के मानने वाला अपन धार्मिक ग्रंथ पढ़ के पेट नहीं भर सकता ना ना पेट एक एक चीज से भरे अगर अनाज कहल जाए तो अगर अन्न कहल जाए और सेटिक पर्व लगो टुसु पर्व यानी हमने के गर्व करना चाहिए हमने ऐसा पर्व के मनवा हा जनता संसार अपना सर झुकाए के सलाम मतलब लगो धान तो चूंकि हमने सुन लो हा बारह माह से तेरह पर्व अगर कोनो न कोनो अर्थ है और ऐसा सटीक अर्थ है जनता कोई ठुकराए नहीं सके हमें टुसु बात रखे से पहले थोड़ा सा कभी कभी बीच में हमने में कभी सवाल है जाए जब हमें कोई चीज में ककरो बताए तो कभी नया नया लड़का सब नया सवाल करे तो हाल फिलहाल में सोहराय पर्व में अपन बात रखा लिए तो एक लड़का बीच में सवाल करे तो सब तो समझ में लेकिन बताओ कि बरत क्या खूटा है कहले देख हमारा ये बात के कोई घमंड ना हो कि हर चीज हम जाना है तो ये सवाल कर ले अच्छा बात तो लेकिन हम इस सवाल को उत्तर ना जाना हो हमारा दो दिन समय दे हमें दो दिन में सटीक उत्तर दे दो। हम घर के लिए दो रात जाग लिए बहुत मंथन कर लिए कि बरत क्या कुछ है दो चार को सीनियर से सलाह ले लिए ताकि इसका भी जानना चाहे कि हमने संस्कृति कितना गौरवशाली है हमने बाप दादा ने कितना पर्व त्योहार भी चुना है वो कितना ऊपर सार्थक अर्थ है इसलिए हमने के जानना चाहे तो फिर हमने निष्कर्ष में लिए कि बरत कुंडा ही खातिर व्यवहार न हमने किसान समुदाय हमने चाचा घर के लगा ना ओ, 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 तो हमने के वो रिवाज है कि जकर माध्यम से हमने चास करिए सबके हमने एक बार धन्यवाद करिए क्योंकि चास करे में बरत के काड़ा के बहुत बड़ा रोल रहे हार जोते में अपने बहुत बड़ा योगदान रहे तो सही खातिर चूंकि यह महीना हमने धान काट के घाट ढुकेबाय तो ओकरा हमने बड़े हाथे तेल को लगा दे। अब एक बात सीधा से रख ले चूंकि आज गाड़ी घोड़ा के जमाना हो मान के चल 25 साल पहले अगर नीतीश नामक शादी करते लो तो पैदल जीत लो महावीर दा भी पहले सब जान जीत लो तो पैदल गए थकता कि नहीं निमाय दा भी पैदल जीत लो तो अगर कोई इंसान ससुर घर पैदल जीते थकता कि नहीं जाहिर सी बात है तो जब वो थकता है तो तेल को लगता है तो शनि बरत के लिए कड़ा के लिए थकी जाता है
हमने ओकरा धन्यवाद करे के तौर चलती हमर चास में लाए। जैसे इंसान के तेल को लागा है, जैसे बर्फ लागू तेल को लागा है। अब एक चीज हम कि अगर इंसान के तेल लगे भा तो तेल लगाने वाले जब प्रक्रिया लगे प्रकृति के तू आराम कर, सही बात लगे ना। एक इंसान के अगर तेल अगर शरीर में लगाए दे अभी राति तू आराम कर दो, तो शरीर हमने बर्फ के लगे तेल लगाए दे, काड़ा के लगे हमने तेल लगाए दे, यदि आराम कर दे भा तो फिर बिना डके उठाते माड़ा डके घुराते सही खातिर कहली कि तोरा बर्फ खुल तो हमारा हार जोता ला माना यो, तो और चलती हमारे खेती का वैसे क्या माना यो, लेकिन तोरा तेल लगाने बाद हमें सुनते ना इधर वो तोरा रीधा वो तोरा रागा वो हमने बहुत खुद लेना कितना सटीक तौर पर है। अगर दुनिया के वैज्ञानिक रिसर्च करता है तो हमने बात बुलाकर नियम में गर्व करता है कि बहुत पूरा करता है कि तोरा रीधा वो तोरा रागा वो तो राग तो जितना राग में उतना हमार माड़ा रखी टूसु पर्व जो हमारा आखिरी पर्व एक बात माघ मास से हमारा नहीं कृषक समाज चल गए और नया साल आरंभ हो रहा है। टूसु पर्व का जन्म अर्थ सीधा सा है कि धान अभी झरिया बाजार में बहुत सारा व्यापारी है, वो व्यापारी के लिए जीवन में खुशी तब रहता है जब ऊपर व्यापार में सफलता हासिल करते। कोई अगर स्वर्णकार लगाए तो अपना खुशी तबे मिलता है जब वो सोना बेचते, तो ठीक उसी प्रकार एक चासा के खुशी तब मिला है जब वो धान के माड़ के मैस के साथ रुक देगा। उससे खुशी में टूसु पर्व मनुआ है, टूसु यानी साफ भाषा में जगह कहा जाए हमने धान, और हमने दुए वो चीज के हमेशा लक्ष्मी मानी है धान के लो बेटी यानी टूसु का आओ भगवान को बेटी नियर भेवो है। 30 दिन नया नया प्रकार के गीत संगीत भेवो है और फिर लास्ट अपना विदाई दिया जाए, कहे कि हटो को वैज्ञानिक मान्यता है विदाई तो हमने माटियों दे सका ली टूसु के, हमने ये चोड़ल में अपना लाइज के बिहान लेके के जब विदाई देते तो बालू हूँ दिए पार तलिए माटी हूँ दिए पार तलिए गाजाल हूँ दिए पार तलिए बांसो गजाल दिए पार तलिए पानी कह दिए न सीधा सा बात हो अगर धान और पानी के स्पर्श में तो तब ओकर में नया अंकुरण में तो वैज्ञानिक आधार हो अगर धान के स्पर्श पानी से ना रहता तो ओकर में अंकुरण ना कहते बेटी की विदाई कहा तो ससुर घर ससुर घर पानी क्या नगरा क्या है ना कि पानी है ले पानी खेले अपने तो नहीं जानते कि मन के भीतर भाभी ने कि पानी क्या है ना पानी ससुर घर आए तो ससुर घर के मतलब जब ससुर घर का कहा जाए जहाँ बेटी बच्चा के जन्म है तो सैनिक धानटी अपन नया बच्चा के जन्म कहाँ दे पानी में कहीं पानी का स्पर्श न कर दो नया जन्म है। सुंदर महीन हमने के सब महीन हमने के गौरव कितना गौरव दुनिया के खेल में कहाँ हराया गया तो आज अपन आपके चिन्ह दरकार है। और सबसे खास बात चूंकि धान के बात कर लियो तो धान कहाँ लागा है खेते लागा है ना, सबसे खास बात यह जनता जान पैसा है चाहे मीडिया जगत से रहे चाहे कलाकार जगत से रहे चाहे व्यवसायी रहे चाहे कोई नौकरी चाकरी करने वाला रहे हमने अपन जवानी खपाए नहीं है कहाँ हमने अपन जवानी कहाँ खपाए नहीं है संपत्ति कमाए हमने अपन जवानी कहाँ कमा ले संपत्ति अर्जित करे में दुनिया में कुछ ही लोग है जो संपत्ति नहीं कम हुए के साधु संत सन्यासी पीर फकीर जगह दुनियादारी से मतलब न है वह अब संपत्ति नहीं कम है बाकी हमने जितना धन पैसा है हमने उद्देश्य की है कि कुछ संपत्ति कमा ले। आप देख ले संपत्ति दो प्रकार के होगा है एगो चल संपत्ति एगो अचल संपत्ति। चल संपत्ति यानी तोर मोबाइल भले 1,80,000 के लगो लेकिन इटा के चोराए लगो इटा चले पारी चल के कहूं जाए पारी तोर चल संपत्ति लगो तोर खेचाए सोना भार हटा कहूं चली के चली जा तो लेकिन जमीन एक मात्र लगो जंडा तोर अचल संपत्ति लगो जंडा के चोराए ने और धान के संबंध जमीन से यानी आज अगर टूसु पारे पर आने वाला पीढ़ी के नए बताए तो टूसु मतलब नहीं समझ तो 20 साल बाद से जनरेशन है तो वो खेती बाड़ी के मतलब नहीं समझ तो जाहिर से बात हो जब धीरे धीरे समय बीत तो एक दिन ऐसा नहीं तो कि हमने के नया जनरेशन अपन आने वाला भावी पीढ़ी गर्व नहीं और आज
कितना पैसा कमाए ले, बिल गेट्स से ज्यादा पैसा हमने नहीं कमा सकल है। वर्तमान में बिल गेट्स अपन माइक्रोसॉफ्ट के शेयर के बेच के लगभग धनबाद जिला के आधा, धनबाद जिला के क्षेत्रफल 2022 वर्ग किलोमीटर, 1000 वर्ग किलोमीटर जमीन बिल गेट्स इकाई की नाम है। यानी कि जमीन से बड़ा कोई संपत्ति नहीं होगा। टुसो के सम्मान अगर धान से, तो धान जमीन में होगा है। अपन जमीन बचाए के रखिया और झारखंड के गौरव हलन किया था। कोयला अंचल के धारी गए और कहीं ना कहीं पीड़ा भरे, इस पीड़ा में हम आवास करिए। कुछ दिन पहले मैं पेरमो हलिए तो लगभग हमारा बुझाए 90 साल हले बुढ़वा की उम्र। चले हारे छोबा तो आज से 30 साल पहले कहने जन्म ले, कोई है बात के लिए अगर 30 साल पहले कहते हमें खेत बारी के लिए बचाए के रखते। हम कहे हमें की करबो दादू, बेटा तो समय आर के हमरा लई के आइलो, बाकी हमें तो 2 साल पहले लग हमरा चीना रहा है। तो आज अपन पर्व त्योहार अपन संस्कृति अपन परंपरा इगला जगाए के रखे, आप धीरे धीरे आने वाला भावी पीढ़ी के दए के जी हा, नहीं तो फिर आने वाला पीढ़ी कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने कहावत भी आओ कि हमारा नेक नियम रिवाज पोथी में हो, कोनो पोथी में नहीं लिखा है। यानी बुढ़ार बुढ़ी खत्म भ गलो, हमारा नेक रिवाज खत्म भ गलो, सिराई तोर को न काम नहीं। हम थोड़ा सा सांस्कृतिक मंच लगे लेकिन राजनीतिक बात